सिद्धार्थनगर जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला स्तरीय आवासीय ब्रिज कोर्स कैंप की हुई शुरुआत। पुलिस विभाग के कप्तान ने बच्चों को कंबल, एबल किट और श्रवण यंत्र वितरण किया। वहीं बच्चों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। यूपी के बुलंदशहर में सियाना पुलिस ने नितिन हत्याकांड का किया खुलासा। मामले में 4 हत्यारोपियों को गिरा गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते नितिन की हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी किए बरामद। यूपी के हरदोई जनपद में डूडा विभाग द्वारा कैंप लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास दिए जाएंगे। ये आवास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बनाए जाएंगे। बुलंदशहर में मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारने से इलाके में शायद दहशत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को भेजा अस्पताल। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। सहारनपुर में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का किया खुलासा। पकड़े गए दोनों आरोपी हैं पति पत्नी। आरोपियों के पास से लूटी गई नगदी और लाखों रुपए के जेवर हुए बरामद।